जय हिंद दोस्तों, ये वाहेगुरु डेयरी ताजपुर रोड है, लुधियाना में, पंजाब में पड़ता है। अमित चोपड़ा, विशाल चोपड़ा दोनों भाई हैं। आपने सुना होगा, बड़ी तीखी आवाज में बहुत ज्ञान की बात करते हैं। बहुत बढ़िया बछिया दिखा रहे हैं, आपको पसंद आए। हो सकता है मेरे कपड़े भी आपको पसंद आए, बहुत बढ़िया पहन के आए हैं। तो महाराष्ट्र के लिए भेज रहे हैं, तो अब देखेंगे ये कि आपकी पसंद और खरीददारों की पसंद कितनी मिलती है। करते हैं बात। बहुत अच्छी बछिया दिखा रहे हो जी। हैं जी, तो कहाँ के लिए हैं ये? महाराष्ट्र सोलापुर पंडरपुर जा रहे हैं। पंडरपुर गए थे भी? पंडरपुर बहुत घूम के आए थे, बहुत जगह वीडियो बना के आए थे। अच्छा, और तुम्हारे भी अब बनाए आएंगे जो तुम भेजते, उसका क्या रिजल्ट है? रिजल्ट तो हमने ये 9 ही फर्ज ली है। इसके बारे में बताओ पहले। एक से एक बढ़ के ही है इसका, तो बताओ पहले। बहुत अच्छी है ये, खुद मैसी की है, आगे इसको ग्रिफ लगा हुआ है, और ये दूध के दांत में, अभी मिल्क टीथ में। उम्र कितनी है? उम्र होगी 21-22 मंथ की। मतलब 2 साल की नहीं हुई? नहीं हुई। कितने देर की है प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट अभी इसको 1 महीना टाइम बाकी। 1 महीना बाकी। कौन सा लगा था इसको? सीमेंट ग्रिफ। ग्रिफ वो सेक्सुअल है? सेक्सुअल है। इनकी 9 हीफर्स में से 7 हीफर को सेक्स हीमन है। कई लोग मैंने ये देखा ना, वो सेक्सुअल बताने में ना, हाँ जी, वो पहले ही कहते भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। बताया है मालिक ने कि सेक्सुअल लगा है। हाँ जी। लेकिन हो ना, ये हम नहीं कह सकते। नहीं नहीं, ये सब जिम्मेवारी वाली है। अच्छा, ये सब मतलब इन्होंने कुछ डिमांड नहीं किया कि हमें सेक्स हीमन वाली चाहिए, या हमने भी डिमांड नहीं की सेक्स हीमन वाली चाहिए। हाँ, एक ये जरूर डिमांड थी कि वन ऑफ द बेस्ट चाहिए, अच्छी से अच्छी। तो उसमें मोस्टली सेक्सी मन यूज होता है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अर्जुन बाबर। पंडरपुर से आए? पंडरपुर से, संगोला। संगोला संत तुकाराम वहां गए थे। तो तुम्हारे पास कितना पढ़े हो तुम? मेरा 10वीं। 10वीं पढ़े हो? गाय रखते हो? हाँ, पहले है। कितनी है? 8-9 गाय। कितने दूध वाली है वो? तो 10-20 लीटर चलती है। 17-18 लीटर। 17-18 लीटर दो टाइम। 20 के अंदर। तो वहाँ वाली है? हाँ, वहाँ वाली है। तो यहाँ से पहली वाले जा रहे? हाँ, यहाँ से। कैसे पहुँच गए इनके पास? वो आपका उन्नत किसान का चैनल देख के ना आगे। खरीदोगे अपने दिमाग से? हाँ, अपने दिमाग से। हमको दोष मत देना। नहीं नहीं, आपको दोष नहीं। कितने के लिए ये गाय? ये अभी एवरेज में 1.5 लाख के हिसाब से पड़ी। ये बछी अकेली कितने की मिली थी? अकेली तो उसमें मतलब लोट बना के एक लिए इन्होंने। तो ये तो कई 3 इकट्ठी, कई 2, कैसे 4। तो ये कितने की अकेली मिली थी? अकेली मतलब ये शायद 160 की थी। 160 की? हाँ जी। पहली बार में कितना दे देगी दूध? 40 लीटर। ब्रीड कितनी है? फुल ब्रीड है पूरी। तो ये कैसे संभालेंगे? 6वीं 7वीं जनरेशन। एक्चुअली क्या, 6वीं 7वीं जनरेशन? 6वीं 7वीं जनरेशन वाली एक ही हीफर है जो 4थी जनरेशन पे है इनकी, बाकी सारी लंबी जनरेशन वाली फार्म से, अच्छे से अच्छे फार्म वाली। ये संभालेंगे? संभालने की भी बात बताता हूँ। जब इनके लिए परचेजिंग स्टार्ट की थी तो मैंने एक अच्छी एवरेज सी हीफर पे खड़ा किया था उनको, 1 लाख के लमसम वाली, मेरे को बहुत पसंद थी। तो मैंने इनको बोला भैया रेट भी ठीक है, जानवर भी अच्छा है, थोड़ी हाइट छोटी थी, थोड़े करेक्टर कम थे, लेकिन अच्छी थी, डेयरी फार्मर 30 लीटर के आसपास दूध देती। तो इन्होंने तुरंत वो डील को वहीं रोक के मेरे को साइड पे ले गए। तो बोलते अमित जी हमें अच्छे जानवर चाहिए। अच्छे का मतलब ऐसे है कि घर पे गाड़ी उतरे तो मतलब लोग बोले कि पंजाब से लेके आया, लोकल वाली तो पहले भी खड़ी है और हमारे आसपास आई है पंजाब से, तो मैं उनसे अच्छी लेना चाहता हूँ, रिजल्ट देना चाहता हूँ। और जो मैं अच्छी की भी बात करता हूँ, आपने बोला अच्छी कैसे, बढ़िया, आपको पता है संभाल लोगे कि नहीं संभाल लोगे, इसने लड़के ने यही बोला कि 1 साल से मैंने इस चैनल पे जितनी वीडियो डली है सभी देखी है और वहीं से ही सीखा है सब। सही बात। का पूरा मतलब सबका जो भी आता है ना वीडियो उन्नत किसान का, सभी देखते रहते। चलो अगली लो, ये दूसरे नंबर पर जी। कैसे तुलना करोगे? कंपैरिजन अंकल एक से एक बढ़ के है। मतलब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ व्यूअर्स को, जितने भी अपने उन्नत किसान उन्नत कृषि के चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं
या नए जुड़ते हैं, मतलब ये नौ की नौ हिफर्स में, आज मैं बहुत दिन के बाद कुछ बोलने वाला हूं, मतलब करैक्टर देखने चाहिए इसके, सिंगल सिंगल, मतलब आराम से स्लो मोशन वो में। तो वो लोग देखेंगे जिनको, जिन्होंने सफल होने के लिए डेयरी चलानी है जी, और तब वो कुछ समझने के लिए वीडियो देखते हैं जी। सभी लोग समझने के लिए नहीं देखते हैं, कई लोग तो वैसे ही जले बुने बैठे होते हैं किसी न किसी बात पे, तो वो बहुत कम लोग हैं जो कुछ सीखने के लिए देख रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया जी। तो अब इनके प्रति तुम्हारे मन में कोई शंका है? शंका इनकी कामयाबी को लेकर? शंका नहीं है हाँ। लेकिन 5 दिन से आया इनको हुआ, लाइन पे कैसे रखोगे? अर्जुन मेरे पास 5 दिन से आया हाँ। और 5 दिन से सिंगल सिंगल हिफर लेते हुए मैं इसको एक ही सवाल कर रहा हूं, मैं भी और जो फार्मर दे रहा है वो भी, कि भैया आप इतनी हैवी ब्रीड पे जा रहे हो, आप संभालना जरूर इसमें। कल संभाल तो लेगा अगर तुम गाइड करोगे तो? जरूर करूंगा। इसको बोला रात को 2 बजे भी फोन लगा, तेरा फोन पिक करूंगा, तेरे को हर नहीं, अगर इन्होंने कह दिया कि हमने फोन किया था आपने उठाया नहीं, वो बैक कॉल जाएगी ना मुझे, अगर इन्होंने मुझे शिकायत कर दी? नहीं 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 करेंगे, आपको शिकायत नहीं करेंगे। तो तुमको निकाल दे लाइन से फिर, अगर इसने शिकायत कर दी तो? हाँ, अगर कर दी फोन के मामले में कर दी तो आप निकाल दें। कितनी खेती है आपके पास? हमारे पास 10 बीघा। 10 बीघा 10 एकड़ है, तो क्या बोते हुए इसमें? वो अब पहले तो अनार होता था, अभी ज्वार बाजरा मक्का। ज्वार बाजरा तो अनार क्यों छोड़ दिया फिर? अनार में बीच में बीमारी आ रहा था ना, इसके लिए वो अनार निकाल दिया। तो कुछ गाइडेंस नहीं मिलता यूनिवर्सिटियों से संभालने के लिए? मतलब तुमको कोई खेती बाड़ी विभाग ट्रेनिंग वेनिंग नहीं देते हैं संभालने के लिए, क्या फसल को ऐसे संभालो? हाँ वो तो सब बीमारी तो सबके पास ही आ रही है ना, वो तो झाड़ी मतलब उसका इसका एक और जवाब था, बोलता मेरा डेयरी फार्म में आने का रीजन ही एक ही है कि हम अनार पे बहुत ज्यादा डिपेंड थे, अनार हर साल बिगड़ रहा है, तो हमने डिसीजन लिया कि डेयरी फार्म करते हैं और हर वक्त जेब में पैसा रहता है इससे, वो साल छमाई की खेती है, ये इसके बोल है, मेरे को नॉलेज नहीं है इतनी खेती बाड़ी की, लेकिन जो चीजें इसने बोली बताई है वो मैं कर रहा हूं। इन्होंने कितने लिए हैं? इन्होंने 9 जानवर लिए। 9 जानवर, 9 एनिमल। एवरेज कितनी बैठी है? एवरेज 1.5 लाख रुपए की बैठी है। दूध की कितनी है? दूध की देखिए, लिया तो इसने सभी 40+ वाली है, अब इसके करने संभालने पे है, साइलेज का पहले ये पिट बना के आया, साइलेज का अरेंजमेंट है, मैंने फीड पूछी तो इसने बहुत अच्छी कंपनी का नाम लिया कि मैं उस कंपनी की फीड डालूंगा, मिनरल मिक्सचर की इसको नॉलेज है, और जितना मैं इसके साथ रहा हूं, आज से 5 दिन पहले कुछ और अर्जुन था, आज 5 दिन बाद कुछ और अर्जुन है हमारे डेयरी फार्म पे, 5 दिन रुकने के बाद मैं इसको एक 5 दिन में क्या सिखा दिया? मैंने सिखाया नहीं है, मेरा तो सामने हर कस्टमर को, हर एक को, ना भी हमारे से गाय खरीदे, यही चीज होती है, हम कहते हैं अगर आपने सीखना है ना तो आप पूछिए, आप जितना ज्यादा पूछ सकते हैं उतना ज्यादा सीखेंगे। सही सलामत कैसे पहुंचेंगे वहां पे? देखिए पहले तो ये मौसम ही बहुत अच्छा है, दूसरी चीज है ये चॉइस इनकी बढ़िया है। हाँ, चॉइस इनकी बहुत बढ़िया, इन्होंने यही बोला था कि 1 महीने से ज्यादा ले भला 3 महीने ले ले, तो मैंने 3 महीने तो सजेस्ट नहीं किए इसको कि आगे ज्यादा लंबा, गर्मी में तो डिलीवरी लेनी नहीं, फिर दोबारा दिसंबर जनवरी में अगर डिलीवरी कर जाएगी, एक दूध अच्छा मिल जाएगा सर्दी सर्दी, एक फिर दोबारा फरवरी मार्च एआई के लिए समय अच्छा है ताकि फिर विंटर की डिलीवरी मिले, तो कच्ची ली है, नई उम्र की ली है, सभी दूध के दांत में है, तो स्ट्रेस वाली या बीमारी वाली या थन किसी का खराब है या कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसी तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, खाली इसको खुद मैनेजमेंट पे अब ध्यान देना है, ब्रीड इसको मिल गई है, फीड इसको मिल गई है, मैनेजमेंट इसकी खुद की। ये अर्जुन जी को अपनी तीसरी लेके दी। हाँ जी, सीमन का फर्क है? हाँ, सीमन का है ये 40-116 की है, आगे इसको केन लगा हुआ है। इसका समय? इसका समय 2.5 महीने बाकी है अभी। पहले जो दो दिखाई है, जो पहले दिखाई है वो 1 महीने से कुछ ज्यादा है। तो इसकी उसकी ब्रीड में क्या फर्क है? ब्रीड में ऐसे है, एक अच्छे बाप के 5 बच्चे जिनके चेहरे आपस में नहीं मिलते या 5 उंगली जैसे बराबर नहीं होती,
लेकिन एक अच्छा खानदान है, जो हम घराना बोल देते हैं, अच्छे घराने की, अच्छे खानदान की है सभी। अच्छा। किसी में जेनरेशन की कमी नहीं है, सभी जेनरेशन में एक से बढ़ के एक है, हाइट फुल है और फिर भी दूध के दांत में। कौन सी जेनरेशन की है? ये सातवीं जेनरेशन। ये भी सात? हाँ जी। क्या उम्मीद करते दूध की? उम्मीद 40 प्लस करते हैं बिल्कुल, और करेक्टर भी अच्छे आएंगे, खाली दूध नहीं। अच्छा, ले रहे ये, अब ये चलो ये भी आ जाएगी। हाँ जी, इनको सीमन लगा हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल जी। अब अगली बार क्या सजेस्ट करोगे इनको, सीमन कौन सा लगाएं? बिल्कुल यही बात हुई, आज जब हमने लास्ट हीफर खरीदी तो उधर अच्छी कंपनी के एक एमआर आए हुए थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बहुत इनको नॉलेज दी है सीमन के बारे में, पूरा कैटलॉग दिखाया कि अगर ये गायें हैं इसके ये करैक्टर है। वो कहां के थे? हमारे इधर लुधियाना के ही हैं। एक और चीज है, ये सुखदीप जी हैं, ये इन ब्रीडिंग के बारे में इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये आपकी सभी गाय के बारे में पूछेंगे कौन कौन सा सीमन है। तो ये जरूरी नहीं है कि 40116 को 16 ही खाली नहीं लगना, या मैसी की है उसको खाली मैसी ही नहीं लगना, और भी कई ब्लड लाइन होती है जो मैच करती है, वो बोलते हैं नहीं लगाना। इधर तो अभी तक सिर्फ यही बोलते आ रहे हैं ना कि मैसी को ब्रूट लगा दो, ब्रूट को बीस्ट लगा दो, बीस्ट को रोडियो लगा दो, रोडियो को वो, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने परसेप्शन देखनी है सीमन की पूरी, तो फिर उन्होंने पीछे माँ को देखना, उन्होंने कम से कम 5-6 सीमन, 6 सीमन बोलने हैं कि ये 6 नहीं लगेंगे। बहुत अच्छा ज्ञान दिया, हमें भी हर रोज एक अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है। 40 दे देगी दूध? 40 प्लस करेगी। अगर 20 दिया तो? 20 एक टाइम का देगी, देगी 20। अगर मिला के 20 दिया तो? नहीं बिल्कुल नहीं देगी। फिर अर्जुन फेल है, हम जाएंगे देखने के लिए। हाँ जी बिल्कुल जी। अगर तो इतना दे दिया 40, हाँ जी, तो इनको इनाम अपने पास से देखे आएंगे। बिल्कुल देखे, 5000 रुपया देखे आएंगे 40 की जगह। और अगर नहीं है तो फिर तुमसे आगे वसूल लेंगे। 38 पे रह सकता है, 30-32 पे नहीं रहेगा। अंकल एक बात बताता हूँ, बहुत से कस्टमर आते हैं हमारे पास, जब 4-5 हीफर या गाय हो जाती है ना, तुरंत एवरेज की बात करते हैं। देखने में नहीं लगता, लेकिन एक भी गाय में इसने हमको एवरेज की बात नहीं की, जनरेशन की अच्छी हीफर की बात करता था, लेकिन ये नहीं बोलता था कि अगली मेरे को कोई एवरेज वाली ले दो या मेरी एवरेज नथिंग, ब्रीड ब्रीड पे बोलता। चलो इसको जांचना पड़ेगा वहां जाके। हाँ जी बिल्कुल जांचना चाहिए जी, बिल्कुल परखना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ये वीडियो में देख के पता लगेगा कि अच्छी ब्रीड है संभालने पे। ये चौथे नंबर पर दिखा। हाँ जी अर्जुन, जो पहले 3 ली ना वो ज्यादा हेल्दी है, इसमें क्या देखा तुमने? इसमें फुल ब्रीड की है। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, ये जहां से ली थी ये फार्म कैसा था अंकल को बताइए। बहुत अच्छा फार्म था, सब एक से बढ़कर एक गाय, बातचीत भी बढ़िया थी। हाँ बातचीत भी बढ़िया, पूरा सॉफ्टवेयर का डाटा, इसीलिए मैं टैग दिखा रहा था ब्रूट नहीं, उसका जो नेचर था वो भी सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट था, डील बहुत अच्छी हुई है, ऐसे 100 का नोट पकड़ा दिया, वो भी वापस कर दिया, उसी टाइम गाड़ी मंगवाई, 1 रुपया नहीं दिया, गाय इधर फार्म पे आ गई। ऐसे लोग तो कम ही होते हैं। हाँ कम होते हैं बिल्कुल। क्या नाम है उसका? परमिंदर जी। अच्छा। हाँ जी। तो कब तक ब्याएगी ये? इसको अभी 2.5 महीने पड़े हैं बाकी। 2.5 महीने? हाँ, खुद इसको आगे जेल का सिमन लगा, जेल। कौन सी जनरेशन है? जनरेशन होएगी ये 8वीं 9वीं। इसकी माँ का रिकॉर्ड? माँ इसकी जो हमारे मई जून में वीडियो बनी थी, पूरी पुस्त का रिकॉर्ड। हाँ पूरी पुस्त का टैग नंबर 522 लगा हुआ है, आगे मदर इसकी 5 नंबर या ऐसे कुछ थी, वो इधर ही गई है, 16 पूरी गई है। देशमुख साहब की हमने वीडियो बनाई थी, 4 महीने की गाभिन थी, आगे 40 लीटर दूध था फर्स्ट टाइमर का। इसकी जो मदर थी वो 4 महीने की प्रेग्नेंट होके भी आगे 40 लीटर दूध था। अच्छा। मतलब सेकंड टाइम में, मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद भी 40 लीटर दूध। कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? 4 महीने की, समझो 6 महीने हो गए। हाँ डिलीवरी की। कितने में ड्राई होगी वो? ड्राई 25 प्लस पे, 28 25 27 28 उस पे ड्राई हुई। अच्छा तो ये तो चलो इनको तो वैसे मालूम है। हाँ तब भी तुमने अपनी तरफ से कुछ इनको बताया फीडिंग का फार्मूला? हाँ जी फीडिंग का दिया। कितनी बार देनी है, कैसे देनी? इनको कैसे फार्मूला बताया, जो इसने कंपनी का नाम दिया मैंने बोला ओके है।
फीडिंग उनकी बहुत अच्छी है, साइलेज है तेरे पास, ओके है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे अब सर्दी का मौसम है ना, तो हमारे पंजाब में लिट्टी बोलते हैं उसको, तो एक बर्तन में उबाल के दिया जाता है, ये एक बूस्टर डोज है, बॉयल खाना, जिसमें आप मक्की, गेहूं, अखी कपास, कपास की खल नहीं, पूरी कपास का सीड, गुड़ और मेथे वगैरह बीच में डाल के, मेथा जैसे गैस के लिए, हाजमे के लिए अच्छा होता है, और गुड़ में कैल्शियम बहुत होता है, और जब बॉयल होता है एनर्जी बहुत है उसमें, प्रोटीन बहुत है। अगर वो फीडिंग और साइलेज के साथ 2 से 2.5 किलो भी एक गाय को दे दिया हमने हर रोज का, तो दूध का 5 लीटर का रिजल्ट आएगा, बढ़ेगा इससे। जोशियो नहीं, प्रैक्टिकल किया है। अच्छा तुम हमें एक बात बताओ। हाँ जी, हम इसके गाय देखने चले गए, ठीक है जी, जो हमने बोला उतना दे दिया। हाँ जी जी, तो तुम जैसे ये समझ लो, तुमने एक गाड़ी में अगर तुमने 20,000 कमाते हो तो तुमने 10,000 कमाया, ठीक है जी। अगर इनकी कसौटी पे खड़े उतर गए, हाँ जी, तो गिफ्ट में क्या दोगे? अगर ये दूध 2 लीटर कम निकाले, ज्यादा निकाले, उतना ही निकालो। मैं कहता हूँ अगर 2 लीटर कम भी निकाले, इनका बीसीएस मुझसे दिलवाओगे गिफ्ट या तुम? मैं खुद क्या दोगे? 21,000 रुपए अपने से। 21,000 नहीं देना। हाँ जी, इसको सेंसर लेके दे दो, ठीक है जी, गले में लग जाएगा सेंसर, पक्का वादा है। सेंसर पक्का वादा है। मैं खाली दूध के लिए नहीं अर्जुन को बोलता, एक सेंसर ले लो, इतनी मेरे को इसकी टेंशन है। एक गाय बोलेगी ना, हाँ जी, उसको देखने के लिए जब जाएगा, हाँ जी, तो दूसरी को भी देख लेगा, देख लेगा बिल्कुल। मैं इसको कहता तू इनका बीसीएस मेंटेन रखी, इनकी सुंदरता हेल्थ अच्छी रख, तो दूध तो ऑटोमेटिक आ ही जाना है। लोन वगैरह लिया कुछ? ये जो पैसा तुमने अब लाए हो, तो कितना कितना पैसा लग गया तुम्हारा? 7 गाय लिए? 9 गाय है, 9 गाय किराया मिला के 14-15 लाख के ऊपर चला गया, 16 लाख के करीब। तो अपना अपना पैसा सारा आधा डेयरी से लिए, तो वो दूध में काटेंगे? हाँ, दूध में काटेंगे, जैसा जैसा अपना दूध में काटते हैं। सिस्टम ठीक? हाँ, सिस्टम अच्छा है, डेयरी साथ देती है इस मामले में, लेकिन दूध का रेट नहीं दे रहे महाराष्ट्र में, उस चीज का बहुत अफसोस है। तुम्हारे पे इतना पैसा है? हाँ जी, तो तुम दे दिया करो कुछ लोन। अंकल आप हर बार बोलते हो पैसा बहुत है, कमाया कितना है आप, ये 1 करोड़ में लगा, इसी लगा ये। मैं कहता हूँ ये फालतू की बातों की जगह इधर उधर की, अगर हम ये करें तो हमें, हमारे व्यूवर को ज्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर हम गाय की करें, या अगर कुछ है बताने के लिए अलग से तो। हाँ, एक वीडियो डली है आज आपकी, सही है, आपने लड़के से लोन का पूछा है, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी चीज देखी है कि 4 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ उस पर सब्सिडी है। तो मेरे को खुद पूरा प्रोसेस नहीं पता, एक कस्टमर मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला हम प्रोसेस में डाला है, लेकिन आपने बोला इंडिया में ये पहला लोन है, उसके बारे में थोड़ा वो सा। मुकेश पटेल थे गुजरात के, उन्होंने हमको बताया ये पहला लोन है। अच्छा जी, अब हम नहीं जानते कि पहला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पहला है। हाँ, आज तक गुजरात में किसी का नहीं हुआ। हाँ, डिसबर्समेंट पहली हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो स्कीम, ठीक है जी। वो सारा आधा सेंटर का है, आधा सेंटर का, आधा स्टेट का है, तो उसमें जो है रिश्वतबाजी ना हो। अच्छा, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत ही करप्शन बहुत ज्यादा है, सही कहीं ना कहीं उलझा लेते हैं, वो भी एक कहानी सुना दूंगा। हाँ, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, करप्शन ऐसे है ना, जैसे कई बिजनेसमैन बंदे खाली सब्सिडी लेने के लिए कर रहे हैं, डेयरी करे, वही आदमी ये लोन ले पाएगा जिसके पास अच्छा सीए है। अच्छा, जो सारी कंडीशन को पूरी करवा देगा, जो पहले अपनी बैलेंस शीट मेंटेन किया हुआ है, और जिस बैंक ने लोन करना है उसको भी अपनी शर्तों में बांध लेगा। तो जमीन कितनी चाहिए? 6.5 एकड़ जमीन है। उस वीडियो को जो सुन लो, सब कुछ उसमें बोला गया है। अच्छा, लेकिन ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन कर सकता है कोई भी आदमी, अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो सीए जिसका काबिल होगा वो दिलवा देगा। और जो ये 2 करोड़ सब्सिडी है, ये एक 50 लाख तो पहले मिल जानी है। अच्छा जी, जब आप शुरू करोगे तो 50 लाख आपको दोगे, 50 लाख अपने अपने पास से, हाँ जी, जो है वो लगा देनी है, वो बैंक आपको लोन कर देगा। कहने का मतलब आप 50 खर्च कर रहे हो तो 50 मिलेगा, आप फिर दोबारा 50 खर्च कर रहे हो, बैंक भी आपको दे देगा, बैंक बराबर दे रहा है, कुछ देर के लिए आपको अपने लगाने पड़ेंगे, सही है, जितना घर से लगा, उसके बाद फिर वो सब्सिडी 50 लाख देंगे। तो उनकी वो पूरी कंडीशन है, जब आप ऑनलाइन में निकालोगे ना, आपको सब एक एक बात समझा, और बाकी पूरी वीडियो देख के, वीडियो देख के पता लगा। 6 एकड़ जमीन, 6 एकड़ घर की जमीन चाहिए, 6.5 एकड़ जमीन अपनी चाहिए, इसको मिल सकता है। अर्जुन जी करना चाहिए वो, आप उसके बारे में ऑनलाइन पोर्टल पे सर्च करेंगे, अगर किसी सीए से कॉन्टेक्ट कर लो
तो वो आपको जो है करवा देगा। 200 गाय, 4 करोड़ का है, 200 गाय रखनी है, 6.5 एकड़ जगह चाहिए, 2.5 लाख की इंस्टॉलमेंट है, 3 साल तक इंस्टॉलमेंट चलेंगी। और वीडियो देखना तुम्हें और बड़ी बातें मालूम, जब ऑनलाइन खोलोगे तुमको सब कुछ नजर आ जाएगा। सबसे पहले आप ये गायों को अच्छे से संभालना, हमारी मेहनत है, हमने की है, 5-6 दिन लगातार छोड़ छोड़ के जाते रहे। उसमें एक शर्त भी होगी, हाँ जी, कि इनको पहले ट्रेनिंग भी की होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है, हाँ जी। उसमें उसी कंडीशन होगी कि आप पहले ट्रेनिंग, कम से कम एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। गेन, हाँ जी, तो क्या गेन किया उसने? नीचे लिखा है नो पेन नो गेन। पेन अगर, तो जब इतना पैसा खर्चा होगा पेन तो नहीं, नो पेन नो गेन। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप बढ़ोगे कैसे? अगर शरीर को दर्द ही नहीं हुआ, लोग ना आजकल इजी मनी के पीछे बहुत भाग रहे हैं। वर्ल्ड कप चल रहा था, लोग कह रहे हैं इंडिया 10 मैच जीत गई, आज इंडिया पे पैसा लगा लो, जीत ही जाना हमने। तो कोई भी चीज इजी मनी नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नो पेन नो गेन, ये मैसेज। वो पहले दो दिखाई तुमने, हाँ जी, 2 साल से कम आयु की, हाँ जी, फिर बिल्कुल ही दो दांत में दिखा दी, 2 साल की है ये, सदी हुई। अब ये कितने की? ये भी 2 साल की है, तो दांत भी दो कर गई, हाँ, दो दांत 2 साल में ही करती है, लेकिन इतनी सदी हुई है, पेट है ही नहीं, 200 ऊपर चली गई हमारा अनुभव का, हाँ, महीना डेढ़ ऊपर भी हो सकती है, 2 महीने भी ऊपर हो सकती है, हाँ। कोई उम्र नहीं होती, इतनी इतनी हाइट बनाई हुई है, कलर ब्रीड, पैर टांगे बहुत स्ट्रेट है, बहुत सुंदर गोल पैर है, है। ये खुद है बीस्ट की है, एबीएस बीस्ट की, आगे इसका रोडियो लगा हुआ है सीमन, हाँ जी। तो तुमको सब नॉलेज है सीमन की? नहीं, सीमन की तो धीरे धीरे आएगी। कितना दूध ले लोगे इससे? हम तो एक इधर तो पंजाब में रहेगी तो 40 लीटर देगी, हमारे पास रहेगी तो कम से कम हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से तो 25 लीटर देना है। अच्छा, निकाल लेगा। क्या इसका दाम क्या रहा है अकेली का? ये 1,40,000 के आसपास थी, कोई 10-20 हजार ऊपर लिया, कोई ऐसे है, तो तुमने बढ़ा दिया? नहीं, नहीं नहीं, आप कह सकती हैं, अभी आज से 20 दिन पहले एक गुजरात की पार्टी थी, इसी कंडीशन की हीफर लेने आए थे, उनका टारगेट था 1,10,15,1,25, लेकिन वो एनिमल नहीं मिले, वो खाली वापिस गए। हमें भी बहुत दुख होता है, लेकिन अब हमारे इधर पंजाब के फार्मरों ने भी थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया। हम कभी कभी ना वो करप्शन की बात कर जाते हैं, हाँ जी, तो वो जो करप्शन करने वाले हैं, हाँ जी, उनका अंदर बड़ा सड़ता होगा, बड़ा जलता होगा बात सुन करके। हाँ जी, वो टोल प्लाजा पे आ रहे थे तो वो दो साथी मेरे बैठे हुए थे, एक बैजू और वो सुरेंद्र। अंकल गाय की करिए आप, गाय बोर हो जाते हैं लोग। पता क्या सिस्टम है बताता हूँ, एक बॉलर है, मैच चल रहा है, बॉलर जा रहा है, बॉलिंग कराने वाला है, एकदम से अंपायर हाथ दे देता है, वो बॉलर भी वहीं थम जाता है, सामने बैट्समैन भी खेल बिगड़ता है। एक बात है, अच्छा, तो मेरी बात सुन लो, जब इनको तुम लेके जाओगे हवाई जहाज से लेके जाओगे किधर? जब गाड़ियों को नहीं, बाई कार ही जाना पड़ेगा, नहीं, तो पार ये गाड़ियों गायों को किससे भेजेंगे? ट्रक में जाएगी। ट्रक कहाँ से होके गुजरेगा? रोड से रोड में इतने बड़े खड्डे हैं तो इनका क्या हाल होगा? नहीं, अच्छा रोड हो तो फिर टोल। अब वही बात हम कह रहे हैं, अच्छा, कि वो हमसे कहते हैं कि ये टोल प्लाजे के ऊपर, ये रोड के ऊपर जो गड्ढे हैं, हाँ जी, ये किस लिए हैं? ठीक है, ये क्यों है? तो मैंने कहा ये जो है, ये जो टोल प्लाजा चला रहे हैं, ये नोट इकट्ठे कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये इनके ऊपर जो फोड़े निकलने हैं उनका संकेत है, संकेत। ये लोगों का पैसा जो है लोगों पे नहीं लगा रहे हो ना, सड़क हाँ। के ऊपर गड्ढे पड़े हैं तो मंदिर अंधाधुंध टोल वसूल कर रहे हो, हाँ जी, तो ये इन बेजवानों का क्या होता है? सच्ची बात है, बहुत इनको दिक्कत आती तो है। वो हमने उसे वो उसका वो बैजू और सुरेंद्र थे मेरे साथ, बिहार के थे, हाँ जी, तो हमने कहा कि उन्होंने भी यही बात कही कि मतलब कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसी बात कर, तो हमने कहा कि ये करप्शन खा गई। सच्ची बात है, आधी डेवलपमेंट को जो करप्शन ने खत्म कर दिया, कर और ये ईमानदार अर्जुन जैसे अगर करना चाहते हैं, अब ये अगर 8-10 झटके पड़ गए जोर से, वो बच्चा तो अच्छी, पहले अच्छी खासी गाय, इससे बात जुड़ती तो है। हम कहते हैं जो टोल प्लाजे वाले जो है वो कम से कम रोड कर, अगर पैसे लेते हैं तो गड्ढे तो भर दो, भरने चाहिए, बिल्कुल। अंकल व्यूअर्स को ये चीजों से मतलब, उनको गायों की
बात समाज में सब चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कितने अगर तुम समाज में जीते हो तो तुमको समाज के रीति रिवाजों के हिसाब से चलना पड़ेगा, चलना पड़ता है। हर आदमी की सुविधाओं को भी देखना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों को देखना पड़ेगा, दूसरे के अधिकारों को देखना पड़ेगा। खाली एक गायों की बात करके तो हम गाय नहीं पाल सकते। अगर कोई फील्ड वाला फील्ड में गलत चीजें मिलाता है हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, विरोध करना तो ये भी इन बेजवानों के साथ में हम चाहे साथ के अकॉर्डिंग तो करनी चाहिए, तो वो भी इन्हीं के जुड़ी है, रोड वाली भी इनसे जुड़ी है। अगर कोई सीमन गलत लगाता है तो वो भी इसी से जुड़ी हुई है, कहता है सेक्सुअल है, सेक्सुअल नहीं होता है, बार बार 6,000 रुपए लग जाए तो हमारे पास एक बार तुमने सेक्सुअल सीमन लगा दिया, कंसीव नहीं किया, ठीक है, दोबारा फिर 6,000 रुपए लगा दिया, फिर कंसीव नहीं किया, तुम्हारा तो 12,000 गया। कंपनी ने कह दिया कि कोई बात नहीं जी, हमारा 10% जो है उम्मीद मत रखना, 80% रखना, उसको तो किसान को तो दो, तुम्हारा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम्हें शिकवा नहीं करना। अगर इतने पैसे ले लिया तो 3,000 वाले का 4,000 रेट रख ले, लेकिन उसके गारंटी दे, अगर फेल गया तो पूरा सीमन दोबारा मिलेगा, आप पूरा सीमन फ्री कर दो, फ्री कर नहीं करना है तो उसको पैसे तो वापस कर दो, उसका तो नुकसान हुआ ना, जिसे सीमेंट समझ के लगाया। समझ गए अंकल जी, मेरी बात सुनो, मजे की बात बताता हूँ, कम जर्नल का कितना नुकसान होता है। मैं और अमित कितना घूमते है ना, पूरी नॉलेज रखते है, हर आदमी से बात करते, कभी महाराष्ट्र का MP, कोई मेरे ख्याल में इंडिया की स्टेट नहीं होगी जो मैं नहीं घूमा, खास करके मैं, और बहुत धक्के खाए हैं इस फील्ड में। हमने किसी बंदे से सिमन लिया, तब हमारे को सिमन की इतनी नॉलेज नहीं, 5-6 साल पहले की बात, 5-6 साल की। उसने अंकल जी हमको सस्ते के चक्कर में एक्सपायर सिमन ही बेच दिया हमारे कस्टमर को, देखो 2-2.5 लाख रुपए का। उसके बाद हमने सवाल करने चालू कर दिए, कहीं अंकल हम भी तो पहले बहुत सीधे थे, पहले जो दिखाई तुमने, हाँ जी अर्जुन जो पहले दिखाई थी उनकी अलग शेप थी, फिर बीच वाली उसकी अलग शेप थी, अब इसकी जो है सबसे अलग है, चमक सबसे ज्यादा है, ज्यादा है, सेहत में कुछ 19-21 है नहीं, वो सेहत इसका जो है। लेकिन वो पेट जो है वो अपना अलग साइज लिए हुए, हाँ जी पसली बड़ी मजबूत है, इसका र्यूमर स्ट्रोंग है, खाने की कैपेसिटी अच्छी रहेगी। ये 40-116 की है, इसको आकाशदीप सेक्सिमन लगा हुआ है, जनरेशन ये चौथी पे ही है। एक्चुअली ये जिस फार्म से ली है मैंने तो आइडेंटिफाई नहीं किया था उनको, तो उधर जाते ही उन्होंने सामने से आवाज लगाई कि चोपड़ा जी आइए थोड़ा। जब मैं फार्म शुरू करने लगा था उन्होंने बोला, सबसे पहले मैंने आपको बोला था मेरे को गाय दीजिए, समय नहीं था आपके पास, यह क्या, फिर मैंने उनको रिमाइंड कराया, पहले आप जर्सी की बातें करते थे, अब उन्होंने HF का अच्छा फार्म खाली 5-6-7 साल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लिया उन्होंने, अच्छे लेवल पे है, आज दूध भी भर रहे हैं और अपनी हीफर भी सेल कर रहे हैं। इसका क्या दाम का? ये 1,40,000 की, सभी 1,40 की नहीं, 1,60-70 वाली भी है, जो पहले दिखाई है वो ऊपर वाली थी। तुमको एक बात बताए, कैसे जी एक बात बताए तुम, हाँ जी बिल्कुल, ये खरीद फरोख्त का धंधा छोड़ो, मुनाफे के धंधे बहुत है, सीमन बेचो कमीशन पे, जाली बेच दो, उसमें 2-2.5 लाख एक बार में कमा जाओगे, ये से नहीं बताया था पहले भी, ठीक है जी, और फीड बना करके बेचते रहो, मिक्स करते रहो, जाली फाली जाली। अंकल ये मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहे, ये मुनाफा फिर इसको ही 2 नंबर वाली बेच देते हैं, 1 नंबर वाली बेच, और वो जो लोन वगैरह मिलते हैं ना उसका ठेका कर लो, जैसे वीडियो बनाया 4 करोड़ का लोन है, 2 सब्सिडी उसमें से कुछ खा वैसे करो, काम बढ़िया है। अंकल जी आज से 30-32 साल पहले सुमूल डेयरी ने ऑफर दी थी कि जितना चाप कटर पूरे गुजरात में आ रहा है हमारे फादर साहब को, कि चोपड़ा जी वो आप दीजिए हमें, आपको 1,000 रुपया, हाँ वो एक तरीके से बोल रहे थे ऐसे कमीशन नहीं, कि आप ट्रेडिंग कंपनी बनाइए, 1,000 रुपया अपना मार्जिन रखिए, फिर आप दीजिए, मतलब सिरदर्दी आपकी। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा 1,000 कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर चढ़ेगा ना, उनको तो महंगा मिलेगा ना, जो मेरे सभासद है वो मेरे से गायें खरीद रहे हैं, हमारी गाय तुमको पसंद नहीं है? नहीं मैं बिल्कुल सहमत नहीं। चलो ये तुमने गाय दिखाई है ना, हाँ जी, अब देख के हमारा भी मन कहता है कि अर्जुन ने जो पसंद की है, हाँ जी, तो पसंद में कोई गलती नहीं की, ठीक है जी, अब आगे इसकी किस्मत है, किस्मत है, जिन लोगों ने इस काम में सफल होना है, हाँ जी, उनको इन गायों को ध्यान से देखना चाहिए, बिल्कुल, पहले इसने ऐसी, और कई लोगों के पास गाय नहीं होती, वो कमेंट करते हैं तो लगता है कि जैसे वो बहुत बड़े महान है,
बड़े विद्वान है, उनके पास ना गाय होगी ना अल्ले बल्ले कुछ होगा, वो खाली आवारा गिरदी हो कुछ नहीं है, वो खाली कमेंट करेंगे। सही बात। तो एक तो वो कमाई का और साधन बताऊ। हाँ जी, पहले जोड़े की बात करो इसकी। हाँ जी, ये जोड़ा जो है बिल्कुल बेलन के जरिए, बेलन के दोनों पूरी खाई पी है, पूरी ये वहां जाके कमजोर क्यों नजर आती है? महाराज जब वहां पहुंचेंगे हम भी साथ में पहुंच जाएं। हाँ, तो वहां इनकी हालत इससे आधी नजर नहीं, आधी गाय की नजर आती है, जो तीसरी चौथी बयान की है। हीफर का ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, पड़ जाएगा। खाली दो दिन, सिर्फ दो दिन। अच्छा, सिर्फ दो दिन, तीसरे दिन एज इट इज ये नजर आएगी। जब एनिमल ने पानी पी लिया ना पेट भर के, खाना चाहे कम खाया, पानी पी लिया, इट मीन्स देयर इज नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। जिसको डिहाइड्रेशन होती है वो कमजोर नजर आती है। हाँ, ट्रेवलिंग में आप ईस्ट ज्यादा दीजिए, साथ में अलग से 50 ग्राम ईस्ट चाहिए हर एनिमल को ट्रेवलिंग में भी। अगर ज्यादा दे देंगे क्या नुकसान है? नहीं, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड फॉर हेल्थ। तो मतलब जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन हम इसको एक्सेस ही दे देंगे 70-80%, तो फिर कहीं ना कहीं ये प्री मिच्योर डिलीवरी कर देगी। भारी खाना है ना, हम भी खाना भारी खाएंगे, बदहजमी हो जाएगी, मतलब पेट खराब हो जाएगा, वही इनके साथ है। इन्होंने जितना वर्क करना है, चलना है, घूमना है, उतना खाना खाना है, उतना पानी पीना है। आगे मैं अर्जुन को कह रहा था, एक चीज नोटिस कर कि 4 घंटे ज्यादा अच्छी लगती है, रात को और बढ़िया लगती है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये कम लगती है, दोपहर को फिर बढ़िया, फिर शाम के टाइम कम लगती है, और फार्म पे जाते हैं जिस भी मर्जी टाइम चले जो एक जैसी दिखती है। वो रीजन क्या है? हमने इनको बांध दिया, हम या हमारा लेबर वाला इनको खाना खिलाएगा, हाथ से पानी पिलाएगा, फिर ये आधे घंटे बाद टोप लगेगी, जब पेट खाली हो जाएगा गोबर करेगी, बेजुबान है, मुंह से थोड़ी बोलेगी ले आओ मेरा अगला खाने का टाइम हो गया, फिर खाना खिलाएंगे पानी पिलाएंगे तो बढ़िया लगेगी। इसीलिए बोलते हैं कि 24 घंटे खाना आगे चाहिए, जब इसका दिल किया खाना खाएगी, जब दिल किया पानी पिएगी, जब दिल किया कच्चे पे जाएगी और पक्के पे वापस आएगी। अर्जुन जी, तो ये आपके दो साथ में आए, एक जीजा जी भी आए। क्या नाम आपका? अजिंक्य देशमुख। है अजिंक्य देशमुख? अजिंक्य देशमुख। आपका क्या नाम है? संभाजी बाबू। संभाजी, आप कितना पढ़े हो? 10वीं। आप भी 10वीं? और ये जीजा जी हैं इनके। अच्छा, आप इनके जीजा ही हैं, हैं? आप भी काम करते हैं? प्लम्बर, प्लम्बर। क्या नाम आपका? सुनील। सुनील, कैसा लगा यहाँ आके? पंजाब कैसा लगा? तुम पूछो अपनी भाषा में, मराठी में। एकदम ब्रिट जगह है यार, चंग ले तुम्हारे कसवाट ले कर पंजाब। खाना पीना एकदम, रहना कोई दिक्कत परेशानी? ये गाय दिखा दो। हाँ जी, बछड़ी है ये भी गाय। ये बछड़ी है या सांड है? नहीं, बछड़ी है ये भी। कितनी उम्र का है? इसकी उम्र होगी 2.5 साल के या 3 के बीच में, ये 2 से 4 हो रहा। सांड है? सांड नहीं है, BCS बहुत है, लेट प्रेग्नेंट कराई है, जैसे गर्मी में डिलीवरी नहीं लेना चाहते थे वो। अब ये प्रेग्नेंट है? अब तो ये 20 दिन में डिलीवरी करने वाली है, 25 दिन में, और ये दिखा रही है कि बाकी हीफर क्या करेंगी, ऐसे कॉम्पैक्ट, इतनी दूर दूर आगे पीछे वाला, फर्स्ट लैक्टेशन की अंकल जी हीफर है ये। ब्याज कौन सी है? फर्स्ट टाइमर। कौन से है? टीके की है। ये मैसी की है खुद, इसको भी केन लगा हुआ है आगे। सेक्सुअल है? हाँ, सेक्सुअल सीमन। ये कितना दूध दे देगी? ये दूध 45 देना चाहिए। 45? हाँ जी, पहली बार। हाँ, पहली बार में थोड़ा लेट किया। दाम क्या है इसका? ये 1,65,63 के आसपास ली थी, जोड़ी में ली थी। अच्छा। हाँ जी, 3-25 की जोड़ी ली थी। 3-25 की जोड़ी ली थी। जोड़ी ली। इसकी जोड़ी की दूसरी है? हाँ जी, दूसरी दिखाई थी इसकी। तो इसको अकेली कितने की माने? ये एक बराबर की है। कितने की? 1.65 गिनती कर रही थी, पहले वाले भी वो अच्छी है, इसके साथ की दोनों ही अच्छी है, फार्मर भी अच्छी है। दिखाई पहले वाली? हाँ, पहले वाली दिखाई। दिखा चुके हैं? तीसरे नंबर पे दिखाई थी। अच्छा, पहली अच्छा। दूसरी फिर तीसरी जो जोड़े में भी घुमा देना। आ, जोड़े में भी दोबारा घुमा देती है जी।
तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी बहुत अच्छे जानवर, जितनी दिखाई मुझे सबसे अच्छी है लगी। हाँ, हेल्दी इसलिए, हेल्दी है इसलिए लग रही है, लेकिन ब्रीड वाइज तो और दूसरी इनसे आगे है। तो दूध तो तुम 45 बता दो। नहीं खाली हमें दूध और हेल्थ से नहीं इतना कोई मतलब है, लाइन अच्छी चलनी वो चाहिए। सेंसर वाला वीडियो वो वादा याद रखना। हाँ जी पक्का, तुम लोग बोलते बहुत जल्दी। नहीं पक्का वायदा, मेरे से चेक दिला दो इनको। एक बात अंकल, अब आप ये बताओ नो एनिमल लिए सही है, कितनी मेहनत की, कैसे ब्रीड लेके दिया, अब तो नहीं बोलेगा ना दुखा हुआ मर गया ये अब तो नहीं बोलेगा ना, इतनी मेहनत करके। तुम जो बात मैं कह रहा हूँ वो बताओ, सेंसर दोगे लेके? हाँ देंगे, वो चेक मैं दे देता हूँ खाली। थैंक यू। लेकिन मेरे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आप सफल हो और इनका भी नाम हो। बड़ी मेहनत इन्होंने भी की, आपने भी बहुत पैसा भी पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके लाया, तो सफल हो। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।